हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारा चैनल केडी रतन रोशन में। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक फिटनेस बैंड के, जिसका नाम है M3 बैंड। ये तो देखने में बिल्कुल MI बैंड के ऐसा लगता है, लेकिन ये एक्चुअली MI बैंड नहीं है और ये बहुत ही MI बैंड से बहुत ही चीप प्राइस में आपको मिल जाता है। इस बैंड की प्राइस बहुत ही ज्यादा कम है और इसकी प्राइस के बारे में हम आगे बात करेंगे, तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे सामने M3 बैंड की बॉक्स है। तो इसमें बॉक्स के सामने तो कुछ नहीं, उतना कुछ खास नहीं दिया गया है, बट पीछे आपको कलर वेरिएंट दिए गए हैं और कुछ फंक्शंस की दिए गए हैं। तो इसे डायरेक्ट हम ओपन करते हैं और अंदर देखते हैं क्या क्या फंक्शन दिए गए हैं। तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं और हमें एक यूज़र गाइड, जिसमें कि जो कि बहुत ही बड़ा है और इंग्लिश और चाइनीज़ में दिए गए हैं, इंग्लिश और चाइनीज़ में दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप इस QR कोड को स्कैन करके या फिर डायरेक्ट आप प्ले स्टोर में सर्च मार के यूओ स्पोर्ट सर्च मार के आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके इस पूरे बैंड को सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम साइड में रखते हैं और डायरेक्ट बैंड पे आते हैं। यहाँ पे हमें एक रबर की बैंड दी गई है जो कि बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, देख सकते हैं आप। और एक मेन इसकी जो फिटनेस बैंड की जो मेन डिस्प्ले है वो दी गई है। तो चलिए इसके ऊपर से हम रैपर को हटाते हैं और इसे हम ओपन करते हैं। आई होप इसमें बैटरी हो। जी हाँ दोस्तों, इसमें बैटरी है और ये ओपन हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने में लिखा हुआ आ गया यूहो और टाइमिंग इसमें सेट है पहले से। आप देख सकते हैं इसमें कुछ फंक्शन दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ सामने में टाइम, बैटरी और कुछ स्टेप्स काउंट दिखा रहे हैं। और इसे हम टच करते हैं तो सामने हमें स्टेप काउंट, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, मोशन और मोर। चलिए हम एक एक करके सबकी बात करते हैं। स्टेप काउंट में अगर हम जाते हैं लॉन्ग प्रेस करके, तो इसमें स्टेप हमें हमारी काउंट होगी, कितने हम स्टेप चले हैं दिन भर में, इसमें कितना किलोमीटर हम दिन भर में चलें, कितनी कैलोरी बर्न हुई है, बैटरी कितनी रिमेनिंग बची हुई है। तो चलिए लॉन्ग प्रेस करके हम बैक आ सकते हैं। और नेक्स्ट में जाते हैं तो इसमें ब्लड प्रेशर, सॉरी, ये हार्ट बीट चेक करता है। और हार्ट बीट हम जैसे ही क्लिक करते हैं लॉन्ग प्रेस, तो यहाँ पे LED ब्लिंक करना स्टार्ट होता है और ये हार्ट बीट चेक करना स्टार्ट कर देता है। और ये ब्लड प्रेशर, इसमें भी अगर लॉन्ग प्रेस हम करते हैं तो इसमें भी LED ब्लिंक करना स्टार्ट होते हैं और ये ब्लड प्रेशर चेक करना स्टार्ट कर देता है। और ये लॉन्ग प्रेस करने पर ये ऑफ हो जाता है। और इस मोशन में हम जाते हैं लॉन्ग प्रेस करके, तो इसमें स्टेप हम चेक कर सकते हैं कि हमें अगर मॉर्निंग वॉक करना है और हमें डेली 1 किलोमीटर चलना है, तो हम 1 किलोमीटर देख के यहाँ चल सकते हैं, कितने स्टेप चले, कितने मिनट में चलें। यहाँ पे स्कीपिंग कर सकते हैं कि 1 सेकंड में, 10 सेकंड में कितनी स्कीपिंग हम कर पा रहे हैं, कितनी कैलोरी बर्न हो रही है। और यहाँ हम सिटअप करेंगे तो वो भी काउंट हो जाएगा। और लॉन्ग प्रेस करके यहाँ से हम रिटर्न आ सकते हैं। और मोर में हम जाएँ तो यहाँ पर हमें अबाउट इसकी, इस बैंड की इंफॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट में जाएँ तो थीम, आप तीन तरह की थीम इसमें सेट कर सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। मुझे ये पसंद है इसलिए मैं ये सेट करता हूँ। और यहाँ से आप शट डाउन कर सकते हैं, यस पे हम क्लिक करके लॉन्ग प्रेस कर देंगे तो ये शट डाउन हो जाएगा और रिटर्न लॉन्ग प्रेस करने पे रिटर्न हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह से फिट हो चुका है। तो चलिए इसे हम पहन के बताते हैं कैसा दिखता है ये। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और अगर आप इसे पहन के रनिंग करेंगे तो ये गिरने की कोई चांसेस नहीं है, आपको इससे चोट भी नहीं पहुंचेगा किसी तरह का, और आप इसे पहन के रनिंग आराम से कर सकते हैं। चलिए इसकी हम बता देते हैं ये चार्ज आप कैसे कर सकते हैं। देख सकते हैं ये चार्जिंग हो रहा है। अब इसके सेटअप करते हैं फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने योहो स्पोर्ट्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है और चलिए हम इसे ओपन करते हैं और इस बैंड के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। कनेक्ट करने के लिए हमें इस एप्लीकेशन के इस कॉर्नर में क्लिक करके डिवाइस में जाना है और यहाँ पे ब्लूटूथ को अलाउ कर देना है, क्योंकि ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे योहो बैंड 2 शो कर चुका है और चलिए इसे हम बाउंड करते हैं।
देख सकते हैं दोस्तों ये बॉन्ड हो चुका है और यहाँ पे बैटरी परसेंटेज शो करने लगा है। तो चलिए हम इसकी सेटअप कर लेते हैं। नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें इनकमिंग कॉल की नोटिफिकेशन मिलेगी, SMS की नोटिफिकेशन, WeChat सारा हम ऑन कर लेते हैं। सेटिंग में जाके इसे आपको अलाउ करना पड़ेगा। जैसे ही आपको Facebook, WhatsApp, Twitter या फिर Instagram या फिर आपकी कॉल या टेक्स्ट मैसेज आती है, आपको इस बैंड में शो हो जाएगा कि आपके पास कोई कॉल या नोटिफिकेशन या मैसेज आया है। ये बैंड एक फोन साथ कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे एक इंडिकेट करने लगा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेट करने लगा कनेक्शन का, ये मतलब कि इसका मतलब है कि ये कनेक्ट हो चुका है। इस बैंड के फीचर और परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो ये बेस्ट है, लेकिन इसकी जो हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर है वो एक्यूरेट काउंट नहीं करता है, लेकिन इसकी स्टेप काउंट, कीपिंग और सिटअप सही है, ये एक्यूरेट काउंट करता है। और इसकी जो नोटिफिकेशन की है वो तो उसकी तो बात ही अलग है, वो तो बहुत ही अच्छा है। वाइब्रेट भी इसमें आप अलार्म भी सेट कर सकते हैं, ये वाइब्रेट भी करता है, 3 सेकंड के लिए वाइब्रेट करेगा, 3 सेकंड के लिए डिस्प्ले ऑन रहेगा। लेकिन इसकी कहीं खराबी है, सिर्फ एक बार प्रेस करने के बाद ये सिर्फ 3 सेकंड के लिए ही डिस्प्ले ऑन होता है और फिर वो ऑफ हो जाता है। फिर से इसे आपको ऑन करने के लिए फिर से आपको इसे ऑन करना पड़ेगा, टच करके और इसे ऑन करना पड़ेगा। इस बैंड की प्राइस के बारे में बात करूं तो मैंने इसे परचेस किया है लोकल मार्केट से और इसकी प्राइस है 280 रुपीज। अगर आप इस बैंड को परचेस करना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जहां आपको लगभग 500 या 600 के रुपीज में आपको मिल जाएगा, लेकिन मैंने इसे 280 रुपीज में ही परचेस किया है। दोस्तों आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं इस बैंड की आपको कौन सी फीचर सबसे अच्छी लगी और कौन सी फीचर खराब लगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इस लोगो पे भी क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।